आपने कभी सोचा है कि जो पुराने ज़माने में लोग कैसे ब्लॉग्स लिखा करते थे या साइट्स बनाते थे? तो टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो वेबसाइट्स तो बनाते नहीं थे, लेकिन कैसे लोग अपनी शायरी से या अपने प्रोज से अपने आप को एक्सप्रेस करते थे? इससे रिलेटेड एक बल्कि कोर्स भी है कंटेंट राइटिंग का, प्लीज़ डीजी स्किल्स की वेबसाइट पर जाकर उसको साइनअप कीजिएगा, लीजिएगा, बिकॉज WordPress में कंटेंट राइटिंग goes हैंड इन हैंड, तो ट्राई टू एक्सप्लोर दैट as वेल. सो पुराने ज़माने की हम बात कर रहे थे, पुराने ज़माने में कैसे लोग जाके अपनी यू नो थाट्स को एक कम्पोज मैनर में शेयर किया करते थे. दे हैड अ वेरी अमेजिंग ऑब्जेक्ट विच वॉज नोन एज अ नोटबुक. नोटबुक क्यों इतनी अमेजिंग चीज़ है? बिकॉज नोटबुक इज़ फुल स्क्रीन, एक फुल स्क्रीन कैनवस है आपके पास जिसपे आप अपने थाट्स, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं. एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू टीच यू इन दिस लेसन, कि आप वर्डप्रेस को फुल स्क्रीन कैसे यूज़ कर सकते हैं. ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको लिखने का बड़ा ज़्यादा शौक है, जिनको अपनी थॉट्स या आइडियाज़ कैप्चर करते हुए डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए. ऑब्वियसली वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, एंड दीज डिस्ट्रैक्शंस अलाउ अस टू नॉट पुट our thoughts in a very composed manner. So WordPress ki ek jo bahut zabardast feature hai, that's called WordPress full screen editing, and what it allows you to do is ki aap WordPress ko full screen composing manner mein use kar sakte hain without any distractions, and it hides all the controls that are around WordPress jo aapko kisi bhi tarah se distract kar sakte hain. So it provides distraction free editing on your page and post. So ye sirf page ke liye nahi hai बल्कि पोस्ट के लिए भी है, और ये कस्टम पोस्ट के लिए भी है. एंड दिस इज समथिंग दैट वी विल शो यू. हाउ डू यू एंटर फुल स्क्रीन? फुल स्क्रीन मोड में एंटर करने के लिए आप अपनी वर्डप्रेस पोस्ट या पेज को खोलते हैं, आप टूल बार में फुल स्क्रीन का जो आइकन है वो क्लिक करेंगे, एंड सडनली मैजिक विल हैपन एंड थिंग्स विल बिकम डिस्ट्रैक्शन फ्री. आप बड़े सिंपल मैनर में अपनी पोस्ट को एक फुल स्क्रीन अंदाज में एडिट कर सकेंगे, जिस तरह कि आपको साथ हमारे यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि हाउ एंड व्हाई फुल स्क्रीन मोड ऑपरेट्स. एक और चीज़ के डिस्ट्रैक्शन फ्री राइटिंग मोड में आपको सिर्फ टाइटल नज़र आएगा और आपको विजुअल एडिटर नज़र आएगा अनटिल यू मूव योर कर्सर आउटसाइड द एडिटर. अगर आप अपना माउस उस कर्सर एरिया में रखते हैं तो आपको कोई और चीज़ नज़र नहीं आएगी. दिस इज़ गुड फॉर मैनी राइटर्स जिनको सिर्फ फोकस करना है अपने टाइटल पे और अपने कॉन्टेंट पे. कॉन्टेंट इज़ किंग एज दे से, और इसी कॉन्टेंट की वजह से आपकी साइट चलती है, आपके विजिटर्स आपके पास आते हैं. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि वेन एवर यू डिसाइड टू राइट गुड कॉन्टेंट, यू गो डिस्ट्रैक्शन फ्री एंड यू ट्राई टू यूज़ द फुल स्क्रीन वर्डप्रेस मोड. तो जिस तरह मैंने आपको बताया था, सून एज यू मूव योर कर्सर आउटसाइड ऑफ द फुल स्क्रीन मोड, आपके जो पैनल्स हैं साइड के वो आपको दोबारा नज़र आना शुरू हो जाएंगे. यही फीचर रेप्लिकेट हो सकती है गुटनबर्ग में भी. क्या आप में से कुछ लोगों को याद है व्हाट इज गुटनबर्ग? गुटनबर्ग इज अ न्यू फॉर्म ऑफ टेक्स्ट एडिटर फॉर वर्डप्रेस, एंड द न्यूज इज कि इट इज क्रिएटेड बाय वर्डप्रेस. गुटनबर्ग में आप ब्लॉक्स को एड और रिमूव भी कर सकते हैं, और साथ साथ जैसे आपको यहाँ पे विजिबल भी है, आप फुल स्क्रीन एडिटिंग भी गुटनबर्ग में कर सकते हैं. सो एक क्वेश्चन जो आपके जेन में आएगा वो यही है कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ फुल स्क्रीन एडिटिंग? बेनिफिट यही है कि आप थॉट्स को ज़रा ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन फ्री होगा, और अगर आपको लिखने का बहुत ज़्यादा शौक है तो यू विल बी एबल टू डू डिस्ट्रैक्शन फ्री राइटिंग इन फुल स्क्रीन इन अ वेरी गुड मैनर. सो नाउ वी आर गोइंग टू ट्राई दिस लाइव. We're going to see कि full screen editing हमें किस तरह से ज़्यादा help कर सकता है, and how it's going to help us create and manage our thoughts. और ये हम normal WordPress editor में भी try करेंगे, Gutenberg में भी try करेंगे. Go to DigiSkills website, not the DigiSkills.pk website, but जो मेरी DigiSkills की website है,
और वहाँ पे आई विल ट्राई टू क्रिएट अ न्यू पोस्ट, एड न्यू पे मैं क्लिक करूँगा, एंड एज सून एज आई एंटर दैट पार्ट, आपको यहाँ पे एक छोटा सा आइकन नज़र आएगा विच सेज डिस्ट्रैक्शन फ्री राइटिंग मोड। तो ये डिस्ट्रैक्शन फ्री राइटिंग मोड आप क्लिक करके भी एक्सेस कर सकते हैं, और एक शॉर्टकट भी है उससे भी एक्सेस कर सकते हैं जो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। नाउ सी द मैजिक व्हाट हैपेंस एज सून एज यू क्लिक दिस। जैसे ही आपने क्लिक किया, एवरीथिंग गोज डिस्ट्रैक्शन फ्री, राइट और लेफ्ट पे जितने भी पैनल्स थे दोज हैव डिसअपीयर्ड। सो व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन जस्ट राइट योर टाइटल हियर, हेलो दिस इज माई डिस्ट्रैक्शन फ्री राइटिंग मोड, एंड यू कैन राइट कॉन्टेंट। मैं कोई एक चीज लिखता हूं, अब आप नोट करेंगे कि ये तब तक डिस्ट्रैक्शन फ्री रहेगा जब तक आपका कर्सर इस एरिया में है। अगर इस कर्सर को मैं इस एरिया से बाहर ले जाऊं तो ये डिस्ट्रैक्शन फ्री एकदम से खत्म हो जाएगी। सो वन वे इज कि आप जब डिस्ट्रैक्शन फ्री राइटिंग मोड में जा रहे हैं तो आप इसी बटन को क्लिक करें ताकि डिस्ट्रैक्शन फ्री राइटिंग मोड ख़त्म हो जाए। दूसरा तरीका डिस्ट्रैक्शन फ्री राइटिंग मोड से वापस जाने के लिए है कि आप अपना कर्सर दोबारा ले आएं। दिस मोड इज़ रियली बेनिफिशियल फॉर दोज हु वांट टू राइट गुड कंटेंट, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन फ्री मोड में यू आर एबल टू राइट गुड कॉन्टेंट। एक और इसका एक शॉर्टकट भी है जो कि है शिफ्ट आल्ट डब्ल्यू। हम उसको लाइव ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। सो यू कैन सी एकदम से डिस्ट्रैक्शन फ्री राइटिंग मोड हैज इनेबल्ड, यू कैन डिसेबल इट। ये शॉर्टकट भी आप यूज़ कर सकते हैं, शिफ्ट ऑल्ट डब्ल्यू। अब हम ये करेंगे, वी विल गो टू प्लगइन्स एंड वी विल सी के गुटेनबर्ग इंस्टॉल करने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है इस डिस्ट्रैक्शन फ्री राइटिंग मोड में। ऑलरेडी हमने इंस्टॉल तो किया हुआ है, हम उसको सिर्फ एक्टिवेट करके क्लिक करेंगे और हम वापस जाएंगे अपने पेजेस पे, एंड वी विल ट्राई टू एडिट वन ऑफ दीज पेजेस इन गुटेनबर्ग। एंड गुटेनबर्ग का एक जो नॉर्मल मैनर में वो दिखाता है कंटेंट को, वो कुछ इस तरह से है। बट इफ़ यू वांट टू गो फुल स्क्रीन, वील क्लिक ऑन दिस थ्री वर्टिकल डॉट्स ऑन द साइड एंड वील क्लिक ऑन फुल स्क्रीन मोड। फुल स्क्रीन मोड में अगेन थिंग्स बिकम डिस्ट्रैक्शन फ्री। तो ये आपने कुछ चीज़ें हैं जो जिनका जहन में रखना है कि आप डिस्ट्रैक्शन फ्री राइटिंग को कैसे इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अगर मैं इन्हीं डॉट्स पे क्लिक करूं और मैं फुल स्क्रीन मोड को डिसेबल करना चाहूं तो वो भी मैं यहां से कर सकता हूं। सो दीज आर टू वेज टू नो कि डिस्ट्रैक्शन फ्री राइटिंग मोड है क्या, क्यों ज़रूरी है, किस तरह से आप इससे कंटेंट ऐड कर सकते हैं, और डिस्ट्रैक्शन फ्री राइटिंग मोड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें सो यू आर एबल टू कैप्चर योर थाट्स इन क्रिएट इन प्रोड्यूस गुड कॉन्टेंट। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर कॉन्टेंट दैट विल डिफाइन हु विल कम टू योर वेबसाइट। The more visitors come to your websites, the more successful you will be, and hopefully in the next version of DG Skills, you will be standing with us right here as one of our success stories.